Greatest gift. It's the greatest gift from Allah to be in the last prophet. Summa salatullah wa salamullah ala al-hadi rasulillah. Jo reason hai अजान की कॉन्फ्रेंसेज में अजान के कोर्सेज में वॉलंटियर करने का वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है जो अल्लाह सुभान व तआला ने मेरे ऊपर डाली है कि जहाँ पर भी कोई भलाई का काम हो तकवे का काम हो उसमें जो है वो आप तआवुन करें उसमें आप अपना पार्ट प्ले करें। मैंने 2 साल पहले अलहुदा का कोर्स किया था और उसके बाद मुझे ये था कि अपने कॉलेज के साथ कि मैं दीन के साथ किस तरह कनेक्टेड हूँ क्योंकि कॉलेजेस में आके और मेरा को हेड कॉलेज है तो बंदा दीन से दूर हो जाता है। सो मेरे लिए बेटर ऑप्शन ये थी कि मैं वॉलंटियर करूँ किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि बंदा इस्लाम के साथ जुड़ा रहे। सो अजान के साथ मैंने किया एंड दिस इज़ माई सेकेंड ईयर विद देम और काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी फ्रेंडली टीम है एंड इट्स बीन अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। वॉलंटियरिंग से पहले मैं बिल्कुल ऐसा था कि मैं एक छोटी सी एक दावत भी होती तो मैं उसको मैनेज नहीं कर पाता था, मुझे लगता था मैं कर ही नहीं सकता ये चीज़ मैनेज, लेकिन आफ्टर मॉनिटरिंग आज मैं अकेले ये चीज़ बोल सकता हूँ कि मैं पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना एक्सपीरियंस मिला। मैंने मलेशिया में सरी किया था तो वहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं तो उधर काफ़ी काम किया तो मैंने बोला यहाँ पे भी शुरू हुआ है तो इधर भी हेल्प करें। तो सो फार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है बिकॉज मैंने बाहर भी अटेंड किए हैं तो उसके स्टैंडर्ड से अगर मैं कंपेयर करूँ तो सो फार इट्स बिन रियली गुड एंड टीम वर्क भी काफ़ी अच्छा है, कम्युनिकेशन भी सारी बहुत अच्छी है। टीम वर्क में काम करने में ये होता है कि आपको डिफरेंट लोगों को एज अ टीम लेके चलना होता है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे पास लर्निंग होती है कि हमें सबको डिफरेंट माइंड सेट्स के लोग होते हैं, डिफरेंट किस्म के उनके एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट उनके पोटेंशियल्स होते हैं, उन सबको लेके कैसे एक टीम के साथ चलना है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इससे काफ़ी लर्निंग होती है। अगर हमारी वजह से हमारी कुछ कुर्बानियाँ कुछ एफर्ट्स की वजह से अगर बहुत सारे लोग इसकी लेक्चर सुन लेते और कोई ना कोई इस पर अमल कर लेते तो इंशाल्लाह हमारे सबका जारिया होगा।